हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने पिनहोल कैमरा के बारे में पढ़ा था, इसे आप किस तरीके से बना सकते हैं ये हमने जाना था, और साथ ही साथ जो आपका नेचर है, प्रकृति है, उसमें आप पिन होल कैमरे के रूप में किस तरीके से पेड़ की पत्तियों को ऑब्जर्व कर पाते हैं ये भी हमने जाना था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपकी प्रकाश की किरण होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है, यानी हमने बात की थी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, सरल रेखीय प्रसार। तो हमने क्या कहा था कि जो आपकी लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है, गमन करती है। इसके बाद हमने मिरर और रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने दर्पण यानी मिरर के बारे में जाना था और ये जाना था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश्ड सतह पर पड़ती है, सतह से टकरा कर वो वापस जाती है, इस परिघटना को, ये जो परिघटना है, फिनोमेना है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बेस में हमने एक एक्टिविटी की थी और ये जाना था कि किस तरीके से जो दर्पण होता है वो प्रकाश के पथ को चेंज कर देता है, बदल देता है। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 8 की, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक कंघी लेनी है, कॉम लेनी है, एक आपको समतल दर्पण लेना है और टॉर्च रख लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आप दर्पण लेंगे वो इस तरीके से आप रख देंगे, ठीक है, कंघी को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, और इस कंघी के दूसरी तरफ से आप लाइट डालेंगे, किसके मदद से, टॉर्च की मदद से, ठीक है। अब आप ये जानते हैं, आपने ये पढ़ा है कि जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ पर आती है तो वो क्या बनाती है, छवि बनाती है, शेडो बनाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, छाया बनाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंघी के इधर से लाइट दी तो क्या देखा कि इसके दूसरी तरफ यहाँ पे कंघी का जो है परछाई या छाया बन रही। फिर यहाँ पे आप एक और फिर क्या होगा, आप इस तरीके से यहाँ से किरणें गई और फिर यहाँ पे दर्पण है, दर्पण से टकराएंगे, दर्पण से टकराने के बाद अगर आप यहाँ साइड से ऑब्जर्व करेंगे, अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि आप साइड से देखें, तो आप ये देख पाएंगे कि आपको शेडो इधर तो दिख रही है पर दर्पण की तरफ यानी दर्पण से इधर बाहर की ओर भी दिख रही है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि पहली चीज, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है जिस कारण छाया बन रही है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद जो दूसरी छाया बनती है और वो छाया यहाँ पे इस के कारण बन रही है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को, परावर्तन के कॉन्सेप्ट को आप काफी अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, हमें पता चला लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, और क्या पता चला, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और दर्पण से परावर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में तो चलता ही है, ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, हम अब इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस That helps us understand opaque objects. अपारदर्शी वस्तु को समझने में हमारी मदद करने वाले
वाक्य बनाने के लिए नीचे दिए गए बॉक्सों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। यानी आप देख सकते हैं नीचे बॉक्स है, इन बॉक्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक सेंटेंस बन जाए और ये सेंटेंस हमें ये बताए कि ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा होता है, यानी उसको समझने में हमारी मदद करे। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है। जीजीआईसी फागलपुर माँ, क्या कोई बच्चा यहाँ पे सेंटेंस बना सकता है? जीजीआईसी फागलपुर माँ। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेंटेंस, यहाँ पे आपके पास बॉक्स है, उसमें कुछ लिखा है। आपको आपको यस क्या मैम। करना है, इनको जो है ठीक तरीके से लगाकर एक सेंटेंस बनाना है, एक वाक्य बनाना है जो अपारदर्शी वस्तु के बारे में बताए। क्या बना सकते हैं? यस मैम। हाँ जी, तो बताइए। अच्छा बेटा, आप ये बताइए, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? अच्छा, कुछ उदाहरण दे दीजिए अपारदर्शी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट के। मैम सुनाई नहीं आ रहा था तो समझ में नहीं आया। मैम अच्छा, आपका सुनाई नहीं नाम? आ रहा था ना तो समझ में नहीं आया। पूजा। अच्छा ठीक है, आप पूजा, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? में नहीं आया था जब सुनाई नहीं आ रही थी ना तो समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ तो सुनाई नहीं आई थी जब। अच्छा अब सुनाई दे रहा है? यस यस मैम। तो अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? मैम। AKE। बेटा यहां से नहीं बताना, आपको ये बताना अपारदर्शी वस्तु क्या होता है। कोई नहीं बेटा, आप बैठ जाइए। जी आई सी ज्ञानसु बेटा, माइक ले लीजिए, आप बताइए अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, अपना माइक मुंह के पास रखिए। हाँ यस मैम। जी ठीक है, आपका नाम क्या है? ठीक दिव्यांशी नेगी। है ठीक है, दिव्यांशी नेगी। ठीक है, आप बताइए बेटा अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? जिसके आर पार नहीं दिखा जा सकता। वेरी गुड, उदाहरण दे सकते हो आप? जैसे अलमारी, दीवार, वेरी गुड, और कुछ? टेबल। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड यस बेटा, बैठ जाइए। वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाइए, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तु जिसके आर पार आप नहीं देख पाते, यानी जिसके आर पार जो है लाइट नहीं पास होती। यहाँ पे कुछ लेटर लिखे, आपको इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ताकि आप अपारदर्शी वस्तु के बारे में कुछ जानकारी दे पाए। तो पहले बॉक्स में OWS लिखा है, दूसरे में AKE, तीसरे में OPAQ, चौथे में UEO, पांचवे में BJEC, छठे में TSM और सातवें में SHAD लिखा है। अगर हम इस बॉक्स को ठीक तरीके से लिखें और एक जो है ऐसा वाक्य बनाएं जो कि आपको ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में, अपारदर्शी वस्तु के बारे में जानकारी देता है, तो वो बनेगा आपका, क्या बनेगा? इन दोनों को आप, ठीक है, ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा? ओपेक, ठीक है, ओपेक। फिर ये आ जाएगा आपको, यहाँ पे ओ है, ये ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है, या एस ऑब्जेक्ट, TS, ठीक है। फिर है MAKE, मेक, ये वाला, ठीक है, मेक। फिर ये और ये SHADOWS,
तो क्या लिखा गया है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज, यानी अपारदर्शी वस्तु छाया बनाती है। आपने अपारदर्शी वस्तु के इस गुण को पढ़ा है कि जो अपारदर्शी वस्तु होता है वो जब प्रकाश के पथ पे आता है तो प्रकाश के पथ को रोक देता है, जिस कारण क्या होता है, उतनी किरणें वहां से गुजर नहीं पाती और पीछे एक ब्लैक कलर का पैच बन जाता है, जिसे आप शेडो यानी छाया कहते हैं। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। नीचे दी गई वस्तुओं या सामग्री को अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभाषी और जो है दीप्त, ठीक है, यहाँ पे होगा दीप्त और अदीप्त के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी क्या कहा है, यहाँ पे आपको कुछ वस्तुएं दी गई है, आपको बताना है पहली चीज ये पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभाषी है, दूसरा ये दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो या आपको पहले ये बताना है फिर बताना है ये दीप्त और अदीप्त। सबसे पहले हम एयर की बात कर लेते हैं, यानी वायु या हवा। जी जी आईसी फागलपुर माँ, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जी जी आईसी फागलपुर माँ, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपको बताना है कि जो हवा होती है वो पारदर्शी वस्तु है, पारभाषी वस्तु है या पारदर्शी वस्तु। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम सौम्या। सौम्या बेटा बताइए कि जो हवा होती है, वायु जो होती है, वो पारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है या पारभाषी वस्तु है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी। अच्छा बेटा, आप अपारदर्शी के बारे में बताइए, अपारदर्शी क्या होता है? मैम जिसके आर पार दिखाई ना देता वो। तो आपको एयर या हवा के आर पार दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? देता नहीं दिखाई देता है मैम। पक्का? नो मैम, दिखाई देता है। ठीक है, वेरी गुड। दिखाई देता है तो यानी क्या हो गया, ये कैसी वस्तु हो गई, ये पारदर्शी है या अपारदर्शी? पारदर्शी। वेरी गुड, पारदर्शी। अब आपको ये बताना है कि ये वस्तु दीप्त है या दीप्त? दीप्त। एयर दीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु कौन सी होती है? दीप्त कौन सी वस्तु होती है पता है आपको? दीप्त वस्तु वो होती है जो जलती है या जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, जैसे आपका आग हो गया, सूर्य हो गया। और अदीप्त वो होती है जो प्रकाश नहीं देती, जिससे रोशनी नहीं निकलती। ठीक है, जो लाइट नहीं देती। मैम तो एयर क्या हो गया आपका, हवा क्या हो गया? हवा पारदर्शी। पारदर्शी है। और दीप्त है या दीप्त? दीप्त। अदीप्त। वेरी गुड, वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। तो एयर क्या है, जो आपकी वायु होती है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पारदर्शी वस्तु है और कैसा है, नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त वस्तु। अब हम चलते हैं अगले, दूसरा क्या है, वाटर यानी पानी।
जी जी आई सी बबियार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, पानी या जल के बारे में आपको बताना है। जी आई सी ज्ञानसु बेटा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? सृष्टि नेगी। सृष्टि, सृष्टि आपका नाम? यस मैम। ठीक है सृष्टि बेटा, आप बताइए कि जो आपका पानी होता है या जल होता है वो पारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है या पारभाषी वस्तु है? पारभाषी। पारभाषी। अच्छा, तो पारभाषी वस्तु कैसी होती है आप बता सकते हैं? मैम अपारदर्शी। पानी के आर पार आप देख पाते हैं यस जब आप मैम। किसी मग में? हाँ वेरी गुड। तो आर पार आप देख पाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपका जो पानी होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु। कौन सी वस्तु? हाँ जी बेटा पारदर्शी। वेरी गुड, वाह पारदर्शी। अब दूसरा सवाल है कि ये दीप्त होती है या अदीप्त होती है? दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु? दीप्त वस्तु है अदीप्त। क्या पानी? अच्छा, क्या पानी आपको प्रकाश देती है? नो क्या मैम आप पानी रख? अदीप्त। हाँ अदीप्त, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी होगा या वाटर होगा वो क्या है? अदीप्त वस्तु है और पारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बैठ जाइए आप बेटा। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ रॉक, पत्थर का टुकड़ा। जी जी आई सी फागलपुर मा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। पत्थर का टुकड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। मैम हाँ जी बेटा, आप ये बताइए पत्थर का टुकड़ा कैसी वस्तु है? पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभाषी? पारदर्शी। पत्थर, पत्थर का टुकड़ा। पारभाषी नहीं, नो नो अपारदर्शी। वेरी गुड, अपारदर्शी। क्यों है अपारदर्शी? क्योंकि इसके आर पार आप नहीं देख पाते है ना। नो दूसरा मैम। है कि ये दीप्त है या अदीप्त है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस? दीप्त, अदीप्त। अदीप्त, वेरी गुड, अदीप्त। वेरी गुड बेटा। सौम्या बेटा बैठ जाइए आप। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पे पीस ऑफ रॉक है यानी पत्थर का टुकड़ा, तो क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी अपारदर्शी वस्तु है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है यानी अदीप्त वस्तु। ठीक है, अगला है आपका अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की एक शीट। एल्यूमिनियम की शीट जो होती है उसके बारे में आपको बताना है, वो दीप्त है या अदीप्त है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभाषी। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु होती है और इसकी शीट की बात की गई। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की तारे बनती हैं, तो और आपकी जो है बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो उनके आर पार आप नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि एक मेटल है, ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु। अगर हम एल्यूमिनियम की शीट की बात करें तो ये जो है प्रकाश भी उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए ये अदीप्त वस्तु। तो आपका आंसर आएगा ओपेक यानी अपारदर्शी और अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है? दर्पण, मिरर। मिरर या दर्पण की बात की जाए तो दर्पण के आर पार आप नहीं देख पाते, तो ये भी क्या है? अपारदर्शी वस्तु है और साथ ही साथ ये अदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो मिरर यानी दर्पण में क्या आएगा?
अपारदर्शी और अदृश्य, ओपेक और नॉन ल्यूमिनस। अगला है आपका अ वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड, एक लकड़ी का टुकड़ा या एक लकड़ी का बोर्ड। तो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वह भी क्या है, अपारदर्शी है, उसके आर पार आप नहीं देख पाते हो और वो अपना प्रकाश नहीं देता, यानी अदीप्त वस्तु है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ओपेक और नॉन ल्यूमिनस, यानी अपारदर्शी और अदीप्त। अगले में जाते हैं, अगला है अ शीट ऑफ पॉलिथीन, पॉलिथीन की एक शीट। पॉलिथीन की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिथीन जो होती हैं उनके आर पार हम क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। ज्यादातर यही होता है, पॉलिथीन के आप आर पार नहीं देख पाते हो क्लियरली, यानी थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है पर बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखता। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिथीन से कुछ रोशनी पास हो जाती है पर कुछ रुक जाती है, यानी ये एक क्या है, ये जो है ये एक पारभाषी वस्तु है और ये प्रकाश भी उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए ये अदीप्त वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभाषी और नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त वस्तु। अगला है अ सीडी, तो सीडी भी क्या है, आपकी अदीप्त वस्तु है, आपकी सीडी जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है और इसके आर पार भी आप नहीं देख पाते हैं, यानी ये क्या है, ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु और अदीप्त वस्तु है। अगला है आपका स्मोक यानी धुआं, धुएं की बात की जाए तो धुएं के आर पार आप थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, यानी ये क्या है, पारभाषी वस्तु है, ठीक। और इसके साथ साथ ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट और नॉन ल्यूमिनस यानी पारभाषी और अदीप्त। नेक्स्ट है अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, यानी एक प्लेन कांच का जो ग्लास होता है, ग्लास की बात की जाए, कांच की बात की जाए तो कांच के आर पार आप चीजों को देख पाते हैं, यानी ये क्या है, पारदर्शी वस्तु है। इसके साथ साथ ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए ये अदीप्त वस्तु भी है। तो यहाँ पर आपका अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास में आप ट्रांसपेरेंट लिखेंगे और नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, इसमें आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए, ठीक है, आप इन्हें नोट कीजिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसे आपको खुद से पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसके कराए हैं, इसी तरीके से आपको इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, साथ ही साथ इस प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।